मैं ना अली से रात में कुछ भी बातें कर सकती हूँ। उसको ना ये बातें करने की आदत है। नहीं नहीं, वो पैरानॉर्मल नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वेल आखिर ये सब किसने कहा है आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये बातें की है जैस्मिन भसन ने अपने प्यारे दोस्त अली गोनी के लिए। वैसे एक अनसीन अनदेखा एपिसोड सामने आया है जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से जैस्मिन जो है वो अली के कुछ राज खोल रही है। वैसे यहाँ पर वो ये बताती हैं कि अली किस तरह से रात में बातें करते हैं। वो बड़े ही मजेदार अंदाज में ये कहती हैं कि अली अगर सो रहा होता है और वो कुछ बड़बड़ कर रहा होता है और मैं उसे जाकर अगर कहती हूँ कि फिर आगे क्या हुआ, तो अली उसका जवाब देता है और फिर मुझे आगे की पूरी कहानी खुद ब खुद बता देता है। वेल यहाँ पर रुबीना ये कहती है कि अरे मैंने उसको कहा भी था, मैंने उसे टोका भी था कि तू ऐसे रात में बातें मत किया कर, फिर मैंने वही सोचा कि वो फिर क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ पर जैस्मिन ये कहती है कि नहीं, वो मेरी हर एक बात का जवाब देता है, उसे प्यार से बोलना पड़ता है कि अली सो जा, तू बात मत कर, अभी तुझे सोने की जरूरत है। वहीं इसी के बाद एजाज ये भी कहते हैं कि तूने तो कल उसे डांटा भी था ना कि सो जाओ अली, तो इस पर जैस्मिन ये कहती कि नहीं, मैं उसको डांट ही नहीं सकती हूँ, जब वो सोता है तो मैं उसको इस तरह से बिल्कुल नहीं बोल सकती। वहीं इस पर रुबीना ये कहती है कि मैंने कहा था कि अली को सो जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभिनव जो है उनको लग रहा है कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है। उनको लगता है कि घर के एक सदस्य को कुछ हो रहा है, कोई चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, किसी को बुखार आ जा रहा है और अब इस तरह से अली का बिहेव करना भी उन्हें पैरानॉर्मल लग रहा है। इस पर जैस्मिन जो है वो अली के बारे में ये सब सुनकर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई उन्हें इस तरह की बातें बोले। वो कहती है पैरानॉर्मल वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ वेदर चेंज होने की वजह से उसे सिम्टम्स है बुखार होने की वजह से। वैसे ये जो पैरानॉर्मल वाली बात है इसको सुनकर बिल्कुल भी जैस्मिन ये नहीं चाहती है कि उन पर किसी भी तरह का कोई भी चीज बोला जाए। वैसे आपके हिसाब से जैस्मिन का ये जो क्यूट बिहेवियर है अली के लिए, ये कितना अच्छा लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि इनको इसी तरह से अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहिए या इसे दोस्ती के आगे भी कुछ नाम देना चाहिए? वेल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, ये आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली मसाला।